दिस इज़ बिंदु प्रभा साहू, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल स्नैप्स बायोलॉजी। सो ये एक मेगा सेशन है जिसमें हम 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनिमल फिजियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो दिस इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बेसिकली अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। ओके, और भी जो बाकी सब सिस्टम्स हैं आप लोगों के, फिजियोलॉजी हम बोल रहे हैं ना, तो सारे के सारे सिस्टम हम पढ़ेंगे इंक्लूडिंग योर एंडोक्राइन सिस्टम, तो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये पार्ट पार्ट में है, तो दिस इज़ द फर्स्ट वन। ओके, तो हमारे साथ बने रहिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन में। क्वेश्चन नंबर वन, ब्लड फ्लोज थ्रू साइनसेस इन ओपन सर्कुलेशन, पोर्टल सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? ऑप्शन ए। ओके, ओपन सर्कुलेशन, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर टू, ओएडेमा इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कैपिलरी प्रेशर, इंक्रीज्ड परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरी वॉल्स, डिक्रीज्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ लिम्फ, देन नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डिक्रीज्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ लिम्फ। ओके, इट इज कॉज्ड बाय, सॉरी फॉर दिस ओएडेमा इज कॉज्ड। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर थ्री, इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल कैन बी सीन इन द हार्ट ऑफ, इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल दिया है। ओके, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल्स या फिशेस। क्या हो जाएगा आंसर? हमारे रेप्टाइल्स। ओके, उनमें इनकम्प्लीट डिवाइडेड वेंट्रिकल दिखाई देता है। ओके, इन केस ऑफ हार्ट, क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फोर, द पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ओके, क्या है पेस मेकर हार्ट का? बंडल ऑफ हिस, एवी नोड, एसए नोड या फिर परकिंज फाइबर। क्या है? हमारे एसए नोड। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन फूड एब्जॉर्प्शन हैव ऑन देयर सरफेस। क्या होते हैं जो इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल्स हैं जो कि फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उनके सरफेस में क्या होते हैं? पिनोसाइटिक वेसिकल्स, जाइमोजेन ग्रैन्यूल्स, फैगोसाइटिक वेसिकल्स या फिर माइक्रोविली। इनमें होते हैं माइक्रोविली, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ पानक्रियाज इज रिमूव्ड द कंपाउंड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड इज। अगर पानक्रियाज को हम निकाल दें तो कौन से कंपाउंड अनडाइजेस्टेड होके रहेगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इनमें से सब कुछ, ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज कॉमन अमोंग अमाइलेज, रेनिन एंड ट्रिप्सिन। ये तीनों में क्या कॉमन है? ऑप्शन ए, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन स्टोमक। ऑप्शन बी, दीज एक्ट एट अ पीएच लोअर देन 7। ऑप्शन सी, दीज ऑल आर प्रोटीन्स। ऑप्शन डी, दीज ऑल आर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आर प्रोटीन्स। ओके, है कि नहीं? दीज आर वन वन एंजाइम्स, राइट? तो दे आर प्रोटीनाशियस, क्लियर। सो दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर एट, स्टूल ऑफ अ पर्सन इज व्हिटिश ग्रे कलर्ड ड्यू टू मेल फंक्शनिंग ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। ओके, किसके मेल फंक्शनिंग से ये होता है? लीवर, क्लियर। नेक्स्ट, अमोनिया इज द चीफ नाइट्रोजन वेस्ट इन कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस, सेमी एक्वेटिक रेप्टाइल्स या नन ऑफ दिस। किसमें होता है अमोनिया चीफ नाइट्रोजन वेस्ट? बोनी फिशेस। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर टेन, व्हिच वन इज द एक्सक्रिटरी ऑर्गन अमंग द फॉलोइंग। इनमें से क्या एक एक्सक्रिटरी ऑर्गन है? आर्कियोसाइट, क्वानोसाइट, सोलेनोसाइट या फिर पिनाकोसाइट। क्या है? वेरी इजी क्वेश्चन, हमारे सोलेनोसाइट। तो बताओ मुझे कि कौन से ऑर्गेनिज्म में सोलेनोसाइट एक्सक्रिटरी ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11, इन यूरेकोटेलिक एनिमल्स यूरिया इज रिमूव्ड बाय क्रेब्स साइकिल, कोरी साइकिल, ऑर्निथाइन साइकिल या फिर अगेन कोरी साइकिल, मतलब ये रिपीट हो गया है, नहीं? तो इसका आंसर हमारा क्या होता है? ऑर्निथाइन साइकिल। ओके, सी इज द आंसर, क्लियर। दो ऑप्शन इसमें रिपीट हो गए हैं। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 12, कशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, थायरॉयड, पिट्यूटरी, एड्रेनल मेड्यूला। ओके, किसके हाइपर सिक्रीशन, मतलब ज़्यादा सिक्रीशन होने से कशिंग सिंड्रोम होता है।
किसके ज़्यादा सिक्रेशन होने से? एड्रेनल कॉर्टेक्स. ओके क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. ऑक्सीटोसिन स्टिम्युलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ. किसके कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन स्टिम्युलेट करता है? लंग, ओवरी, हार्ट या फिर यूटरस? क्या हो जाएगा आंसर? यूटरस. ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 14. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गन्स इंक्लूड ओनली द एंडोक्राइन ग्लैंड्स? सिर्फ और सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं कौन से ऑर्गन में? थाइमस एंड टेस्टिस, एड्रेनल एंड ओवरी, पैनक्रियाज एंड पैराथायरॉयड या फिर एड्रेनल एंड पैराथायरॉयड? क्या हो जाएगा आंसर? हमारा एड्रेनल एंड पैराथायरॉयड. ओके तो बताओ व्हाट आर द हॉर्मोन्स विच आर सिक्रेटेड बाय एड्रेनल एंड पैराथायरॉयड. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज ड्यू टू गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर एंटरोगैस्ट्रॉन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कोलेसिस्टोकाइनिन. ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 16. गैस्ट्रिक सिक्रेशन इज स्टॉप्ड बाय द हार्मोन. कौन सिक्रेशन को, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को स्टॉप करता है? ओके गैस्ट्रिन, एंटरोगैस्ट्रॉन, कोलेसिस्टोकाइनिन या फिर पैनक्रियोजाइमिन? क्या हो जाएगा आंसर हमारा? एंटेरोगैस्ट्रॉन. ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 17. बोन मैरो इज कंपोज्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड ब्लड, एडिपोज एंड एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड फाइब्रोब्लास्ट या फिर सिर्फ एडिपोज टिश्यू? क्या होते हैं बोन में, बोन मैरो में क्या होते हैं? सब एडिपोज, एरियोलर एज वेल एज ब्लड. क्लियर. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 18. मैमेलियन पिन्ना इज सपोर्टेड बाय हेलिन कैटिलेज, इलास्टिक कैटिलेज, कैल्सिफाइड कैटिलेज या फिर व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू? तो कौन सपोर्ट करता है? इलास्टिक कैटिलेज. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. मेजर इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिब्रेट बोन इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. ये भी क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन रिपीट हुआ है. ओके तो 19 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज कैल्शियम फॉस्फेट. ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 20. हार्वेसियन कैनल्स फाउंड इन बोन्स कंटेन आर्टेरी एंड वेन, ऑस्टियोब्लास्ट इन एरियोलर टिश्यू, नर्व एंड लिम्फ वेसल, ऑल ऑफ दीज. ओके तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, सब होता है. ओके इट कंटेन्स आर्टरी एंड वेन एज वेल एज ऑस्टियोब्लास्ट इन केस ऑफ एरियोलर टिश्यू एज वेल एज योर नर्व एंड लिम्फ वेसल्स. ओके सो आंसर ऑल ऑफ दिस होगा. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 21. वेयर आर द पैरोटिड ग्लैंड्स लोकेटेड? ओके बिलो द स्टोमक, बिहाइंड एंड अबव द पैनक्रियाज, बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनल और अंडरनीथ द आर्मपिट्स. ओके पैरोटिड ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं? हमारे ईयर कैनल के नीचे और एट द फ्रंट पार्ट. ओके बिलो एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर कैनल. ओके ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? ओके क्या सही नहीं है? पिट्यूटरी ग्लैंड इज फाउंड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, एड्रेनल ग्लैंड्स आर फाउंड ऑन टॉप ऑफ द किडनीज, लिम्फ नोड्स आर फाउंड ओनली नियर द नेक एंड आर्मपिट्स, थायरॉयड ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स. ओके तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फ नोड्स आर फाउंड ओनली इन द नियर द नेक एंड आर्मपिट्स. ओके ये गलत है. क्लियर. तो सही क्या है वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ. ओके आई विल शाउट आउट हिज और हर नेम इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सेट. ओके तो बताओ कि सही क्या होगा. क्लियर. लिम्फ नोड कहाँ पे दिखाई देते हैं या फिर नियर द नेक एंड आर्मपिट क्या दिखाई देता है? ओके यही होगा ना सही आंसर, राइट? तो बताओ. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 23. द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय स्टेरनम, रिबकेज, बैकबोन या ऑल ऑफ द अबव? वेरी इजी क्वेश्चन. आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. ओके लंग्स को स्टेरनम, रिबकेज, बैकबोन सब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट? कंफ्यूजिंग है कि नहीं? मतलब अगर सोचोगे कि इनमें से कोई एक होगा, राइट? लेकिन इनमें से सब कुछ होगा. क्लियर. ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 24. एनस इज एब्सेंट इन, ओके कहाँ पे नहीं होता है? हाइड्रा, प्लानरिया, ऑफियोथ्रिक्स या ऑल ऑफ दीज? क्या
सब में एब्सेंट है, ओके किसी में भी दिखाई नहीं देता है इनमें से, क्लियर। नेक्स्ट तो क्वेश्चन नंबर 25, माइक्रोवेजियल न्यूट्रिशन अकर्स इन इंसेक्ट्स, हाइड्रा, यूग्लिना या फिर एम्फियोक्सिस। ओके तो मेरे मानो तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा आंसर, क्योंकि इन सब में माइक्रोफेजियल न्यूट्रिशन दिखाई नहीं देता है। ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन ही मतलब आंसर जो दिया हुआ है वो गलत है, लेकिन कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसमें माइक्रोफेजियल न्यूट्रिशन दिखाई देता है, एग्जाम्पल बताओ। मैं एक बताती हूँ, क्या होगा, पारामेशियम। ओके मैं एक बता दी तो आप लोग बाकी बताओ क्या होगा आंसर। ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 26, एनिमल्स ईटिंग देयर ओन फिकल मैटर आर, ओके जो खुद के ही फिकल मैटर को खाते हैं, फ्रुगीवोर्स, डेट्रिटिवोर्स, कॉप्रोफेगस या फिर सैंग्विवोर्स। क्या बोलेंगे हम उन्हें, कॉप्रोफेगस। ओके 26 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट, वेस्टिब्यूल इज द स्पेस बिटवीन गम्स एंड लिप्स, टंग एंड टीथ, टंग एंड पैलेट या फिर इंसिजन एंड प्रीमोलर। क्या होगा, ऑप्शन ए, ओके गम्स एंड लिप्स। ओके उनके जो बीच का जो स्पेस है वी कॉल दैट वेस्टिब्यूल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, टोंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी बाय फ्रेन्युलम, मिजेंट्री, लिंगुअल पैपिला या फिर फैल्सिपैरम लिगमेंट। क्या हो जाएगा आंसर, फ्रेन्युलम। ओके सो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 29, सलाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट इन किसमें नहीं है। ओके ब्लैटा ओरिएंटालिस, मस्का डोमेस्टिका, राना हेक्स्ट्राडैक्टिला या फिर एनोफिलिस म्यूकिलिपेनिस। ओके तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, राना हेक्साडैक्टिला, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड इज, सबसे छोटा सलाइवरी ग्लैंड क्या है, पैरोटिड, सबलिंगुअल, इंफ्रा ऑर्बिटल या फिर सब मैंडिबुलर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, दैट इज सबलिंगुअल। ओके तो आप का काम है कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि ये सब जो ग्लैंड्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके दैट इज़ योर वर्क, क्लियर। तो सिर्फ एक या दो बच्चे जो हैं वो सिर्फ आंसर दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रियव्रत सेन, ओके क्लियर। तो आप लोग कोशिश करो कि सब आंसर देने के लिए, क्लियर। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कम्युनिकेट करो सो दैट वी बोथ लर्न फ्रॉम ईच अदर। ओके तो आपको ये भी पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है जो मैं पूछ रही हूँ। ओके तो कमेंट सेक्शन में आंसर देने की कोशिश करो। ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 31, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स ऑफ रैबिट पोर देयर सिक्रीशंस थ्रू। ओके ये आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ पे है तो बताओ अगर आता है तो, स्टेंसन्स डक्ट, वॉटन्स डक्ट, नेसोफेलेटाइन डक्ट या फिर बैथोलिन्स डक्ट। ओके क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वॉटन्स डक्ट। ओके नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 32, वॉटन्स डक्ट इज एसोसिएटेड विथ ब्रूनर्स ग्लैंड, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड या फिर सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। तो दिस इज एसोसिएटेड विथ योर सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड। ओके क्लियर। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 33, पैरोटिड ग्लैंड्स आर लोकेटेड बिलो। ओके किसके नीचे पैरोटिड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, आई, टंग, फ्लोर ऑफ माउथ या फिर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। ये होते हैं बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द टूथ फॉर्म्स रूट, नेक, क्राउन या फिर डेंटाइन। ओके टूथ का जो एक्सपोज्ड पार्ट है वो क्या फॉर्म करता है, हमारे क्राउन। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, एक्टोडर्मल सेल्स दैट सीक्रेट एनामल ऑफ टूथ इज। ओके जो एक्टोडर्मल सेल टूथ का एनामल को सीक्रेट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट, डोंटोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट या फिर ओडोंटोब्लास्ट। ओके क्या बोलेंगे हम उसे, ऑप्शन सी, एमिलोब्लास्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द पल्प कैविटी इज लाइंड बाय ऑस्टियोब्लास्ट, एमिलोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट या फिर कॉन्ड्रोब्लास्ट। ओके
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच ऑफ द ह्यूमन टीथ हेल्प इन कटिंग. ओके, कट करने के लिए कौन सा टीथ हेल्प करता है इन केस ऑफ ह्यूमन, मोलर, इंसीजर, कैनाइन या प्रीमोलर. ओके, तो याद करो क्या हो जाएगा, इंसीजर. राइट. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 38, द डेंटिशन नॉट फाउंड इन मैन इज, क्या नहीं दिखाई देता है, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट, डाइफियोडोंट या फिर लोफोडोंट. क्या हो जाएगा आंसर, लोफोडोंट. ओके, बताओ व्हाट आर द लोफोडोंट. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 39, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीथ आर ब्यूनोडोंट. ओके, तो क्या होता है ब्यूनोडोंट, इंसीजर एंड कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, कैनाइन एंड प्रीमोलर या फिर इंसीजर एंड प्रीमोलर. ये पूरा आपका डेंटिशन का पार्ट जो है कवर कर लेगा, है कि नहीं. तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रीमोलर एंड मोलर. ओके, दीज आर द ब्यूनोडोंट. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन टीथ आर सिमिलर कोन शेप्ड इट इज कॉल्ड. ओके, कोन शेप्ड है और एक जैसे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, एक्रोडोंट, होमोडोंट, हेटेरोडोंट या फिर डाफियोडोंट. क्या बोलेंगे हम इसे, ऑप्शन बी, दैट इज होमोडोंट. होमो मतलब सिमिलर, है कि नहीं. क्लियर. सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 40. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 41, द स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया ड्यूरिंग डीग्लुटिशन इन मैमल्स इज, पैलेट, लैरिंग्स, फैरिंग्स या फिर एपिग्लॉटिस. ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपिग्लॉटिस. तो आपका काम है कि आप मुझे बताओ व्हाट इज डीग्लुटिशन. ओके, क्लियर. तो ये पूरा फिजियोलॉजी आपको पढ़ते पढ़ते पूरा आपका रिवीजन होने वाला है. ओके, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है कि नहीं. और अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो, सिर्फ स्किप करके सिर्फ आंसर देख देख के जा रहे हो, तो पता चल जाएगा आपके कॉमेंट से. ओके, क्लियर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 42, व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनल डज नॉट सिक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम. ओके, माउथ, स्टोमक, ड्यूओडेनम या फिर इसोफेगस. क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी, इसोफेगस. ओके, ये एक एलिमेंटरी कैनल का पार्ट है जो कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट नहीं करता है. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 43, कार्डियक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन स्टोमक, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम या फिर एंडोकार्डियम. क्या हो जाएगा 43 का आंसर, ऑप्शन ए. ओके, क्लियर. आप सबको लग रहा होगा कि पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम या एंडोकार्डियम में से कुछ होगा, है कि नहीं, लेकिन इट इज प्रेजेंट इन स्टोमक. ओके, अगर याद है तो. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 44, इन व्हिच लेयर ऑफ स्टोमक आर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लोकेटेड. ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किस में होते हैं, स्टोमक के कौन से पार्ट में, कौन से लेयर में, सेरोसा, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा या फिर मस्क्युलरिस म्यूकोसा. क्या हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन बी, दैट इज म्यूकोसा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्टोमक इन रूमिनेंट्स. ओके, रूमेन, ओमासम, रेटिकुलम या फिर एबोमासम. ओके, उनके स्टोमक के साथ क्या रिलेटेड है, हमारा एबोमासम. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 46, द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज कंट्रोल्ड बाय, वेरी इजी क्वेश्चन, लीवर होगा, इलियम होगा, ड्यूओडेनम होगा या फिर गॉल ब्लैडर होगा. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लीवर. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47, फूड इज केप्ड एज रिजर्व इन सर्टन ऑर्गन्स. ओके, व्हिच इज द करेक्ट ऑर्गन, किसमें फूड रिजर्व होकर रहता है, लीवर, ब्रेन, किडनी या स्प्लीन. आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज लीवर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय, बाइल कौन प्रोड्यूस करता है, कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर, राइट. नेक्स्ट 49, डक्टस कोलेडोकस कैरीज, क्या कैरी करता है ये, हमारे ओवा, बाइल, यूरिन या सलाइवा. ये कैरी करता है बाइल. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 50, Which of the following represent bile salt? Okay, bile salt क्या है इनमें से, bilirubin, biliverdin, bilirubin, hemoglobin, hemoglobin, biliverdin या फिर sodium glycolate and taurocholate. क्या हो जाएगा 50 का आंसर, ऑप्शन डी. ओके, sodium glycolate and taurocholate. क्लियर.
Next, come to question number 51. The delicious food generally makes mouth watery. है कि नहीं? अगर पिज़्ज़ा देखो, गोलगप्पे देखो, है कि नहीं? जो जो आपको पसंद है वो देखो, तो अपने आप सलाइवा सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, माउथ वाटरी हो जाता है. तो ये कौन सा रिस्पॉन्स है? ओके, वजह क्या है इसका? न्यूरल रिस्पॉन्स, ऑप्टिक रिस्पॉन्स, हार्मोनल रिस्पॉन्स या फिर ऑल्फैक्टरी रिस्पॉन्स? क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमारा ये है न्यूरल रिस्पॉन्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52. टाइलिन इज ऑल्सो नोन एज सलाइवरी एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन या फिर रेनिन. ये हमें टाइलिन को हम और क्या बोलते हैं? सलाइवरी अमाइलेज. ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53. पीएच ऑफ सलाइवा इज 7.8, 6.8 या फिर 9.5. ओके, तो हमें पता है कि जो सलाइवा जो है दैट इज स्लाइटली एसिडिक, राइट? सो इट विल बी 6.8. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 54. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट? टाइलिन, सिक्रेटिन, गैस्ट्रिन या ग्लूकागॉन? ओके, तो 54 का आंसर हो जाएगा टाइलिन. तो क्यों ये डिफरेंट है वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ. ओके, क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 55. स्टार्च इज कन्वर्टेड टू माल्टोज बाय द एक्शन ऑफ सुक्रेज, माल्टेज, इन्वर्टेज या फिर अमाइलेज. क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन डी, दैट इज अमाइलेज. क्लियर? नेक्स्ट 56. इफ पीएच ऑफ स्टोमक इज मेड 7, विच कंपोनेंट ऑफ फूड वुड बी अफेक्टेड? स्टोमक का पीएच अगर 7 हो जाए तो फूड का कौन सा कंपोनेंट अफेक्ट होगा? फैट, स्टार्च, प्रोटीन या सुक्रोज? हमारा अफेक्ट होगा प्रोटीन. ओके, क्यों अफेक्ट होगा वो बताओ कमेंट सेक्शन में. सारा का सारा काम मैं नहीं करूँगी, आप लोग भी वीडियो देखो और ये आंसर हमें दो. ओके, सिर्फ आप पीडीएफ देख लेते हो. ओके, सिर्फ वो देख लेते हो, आपका आंसर सर्च कर लेते हो, है कि नहीं? लेकिन ये नहीं देखते कि मैं वीडियो के अंदर क्या बोल रही हूँ, है कि नहीं? वो आपके कमेंट से पता चल जा रहा है कि कौन पूरा का पूरा वीडियो देख रहा है और कौन नहीं देख रहा है. ओके, तो पूरा वीडियो देखो, चैनल को हमारा सब्सक्राइब करो और जो मैं क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर पूछ रही हूँ उन्हें आंसर करने की कोशिश करो. ओके, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू. ओके, इट विल रिवाइज यू. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 57. एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स इन. पेप्सिन कहाँ पे काम करता है? माउथ, इंटेस्टाइन, इन केस ऑफ एसिडिक मीडियम इन पैनक्रियास या फिर एसिडिक मीडियम इन स्टोमक. क्या हो जाएगा? एसिडिक मीडियम इन स्टोमक. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 58. रेनिन, RENNIN. ओके, दो चीज़ होते हैं, RENNIN रेनिन और एक है RENIN रेनिन. ओके, तो आपका काम है इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताओ. ओके, तो देखो, तो रेनिन इज फाउंड इन बाइल, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस या फिर पैनक्रियाटिक जूस. इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 59. कोलेसिस्टोकाइनिन स्टिम्युलेट्स द सिक्रेशन ऑफ. ओके, किसका सिक्रेशन ये स्टिम्युलेट करता है? गैस्ट्रिक जूस, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस? किसका? बाइल का. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. पैनक्रियाटिक सिक्रेशन एंड गर्ल ब्लैडर कंट्रैक्शंस आर स्टिम्युलेटेड बाय. किसके द्वारा होता है? गैस्ट्रिन, एंटरोक्राइनिन या फिर एंटरोक्राइनिन होता है, देन एंटरोगैस्ट्रोन या फिर कोलेसिस्टोकाइनिन. क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी. क्लियर? नेक्स्ट 61. द वेव लाइक कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड. पेरिस्टाइलिस, डीग्लुटेशन, फाइब्रिलेशन या फिर मास्टिकेशन. क्या बोलते हैं हम इसे? पेरिस्टाइलिस, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62. स्पिनस्टर ऑफ ओडी गार्ड्स. ओके, ये स्पिनस्टर किसे गार्ड करता है? सिस्टिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट या फिर हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. क्या होगा इसका आंसर 62 का? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63. द मैक्रो मिनरल एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन आर.
सल्फर, आयोडीन, कोलीन या फिर मैग्नीशियम? क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए दैट इज सल्फर. ओके, इट इज अ मैक्रो मिनरल, मैक्रो ओके, विच इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स? नियासिन, विटामिन सी, राइबोफ्लाविन या फिर विटामिन B12? 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दैट इज विटामिन B12. इट कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फूड कंपोनेंट्स इन ह्यूमंस रीचेस द स्टोमक कैविटी अनडाइजेस्टेड? ओके, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है आप लोगों को. ओके, क्या पूछा है और मुझे क्या आंसर देना है? यहाँ पे पूछा है कि कौन से फूड कंपोनेंट पेयर है जो कि स्टोमक कैविटी में अनडाइजेस्टेड स्टेट में एंटर करते हैं. ओके, स्टार्च एंड फैट, फैट एंड सेल्यूलोस, प्रोटीन एंड स्टार्च या फिर स्टार्च एंड सेल्यूलोस? इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी दैट इज फैट एंड सेल्यूलोस. ओके, तो इनका डाइजेशन कहाँ पे होता है वो मुझे बताओ. राइट, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 66. सलाइवरी अमाइलेज अ डाइजेस्टिव एंजाइम बिगिन्स डाइजेशन ऑफ. ओके, तो किसका डाइजेशन ये बिगिन करता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑल ऑफ दिस? क्या हो जाएगा 66 का आंसर? कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट? क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, मतलब माइक्रोन्यूट्रिएंट है कि नहीं? जिंक, बोरन, मॉलिब्डेनम या फिर मैग्नीशियम? क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम. ओके, नेक्स्ट 68. द एनर्जी कंटेंट इन किलो कैलोरी पर ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोटीन इज टू ट्राइग्लिसरॉल respectively is approximately in the ratio of. okay, तो इनका energy content जो है per gram, okay, in kilo calorie हमें निकालना है. okay, पता करना है तो उनका ratio क्या होगा? carbohydrate is to protein is to triglycerol. तो इनका हमारा ratio होता है 1:1:2. okay, next question number 69. this is common passage for bile and pancreatic juices. ampulla of Wester, डक्ट ऑफ विट्सांग, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी या फिर डक्टस कोलेडोकस? ओके, तो ये दिया है कि बाइल और पैनक्रेटिक जूस का ये कॉमन पैसेज है. तो क्या है इनमें से कॉमन पैसेज? एम्प्यूला ऑफ वेटर. क्लियर, 69 का आंसर हो जाएगा एम्प्यूला ऑफ वेटर. तो मैं जो क्वेश्चन आंसर आप लोगों को ये बता रही हूँ, तो अगर आपको कुछ भी एक्सप्लेनेशन चाहिए ओके, तो पूछने के लिए हिचकिचाएगा मत. ओके, ज़रूर पूछिएगा, आई विल डेफिनेटली आंसर यू. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 70. द टाइप ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंटरी कैनल इज? कौन से टाइप के मसल फाइबर होते हैं एलिमेंटरी कैनल के वॉल में? स्मूथ, स्ट्राइप्ड, कार्डियक या फिर बोथ स्मूथ एंड स्ट्राइप्ड? ओके, बोथ ए एंड बी दिया है कि नहीं? तो आंसर हो जाएगा स्मूथ, सिर्फ स्मूथ मसल फाइबर ही प्रेजेंट होते हैं एलिमेंटरी कैनल के वॉल में. क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71. एनएरोबिक रेस्पिरेशन इज लाइकली टू अकर इन एंड टेपवॉर्म, अर्थवॉर्म या फिर एकाइनोडर्म्स? क्या हो जाएगा आंसर? टेपवॉर्म्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज नो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? ओके, नो स्पेशलाइज्ड दिया है. क्लियर, तो कॉकरोच, अर्थवॉर्म, फ्रॉग टैडपोल या फिर मॉस्किटो लार्वा? क्या हो जाएगा? अर्थवॉर्म. ओके, इसका कोई भी वैसा स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है. ओके, इट रेस्पायर्स थ्रू स्किन जनरली, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. विच टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस? ओके, गिल्स, लंग्स, बुक गिल्स या फिर बुक लंग्स? स्पाइडर्स एज वेल एज स्कॉर्पियंस, इनमें से कौन से टाइप के रेस्पिरेटरी ऑर्गन दिखाई देते हैं? हमारे बुक लंग्स. ओके, बुक लंग्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस. क्लियर, याद रखना ये. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74. विच ऑफ द फॉलोइंग अपेंडेजेस ऑफ प्रॉन बियर्स अ पोडो ब्रांच? ओके, मैग्जिला, मैग्जिलुला, देन या फिर हमारा सेकेंड चिलेट लेक या फिर सेकेंड मैग्जिलिपेड? ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी दैट इज सेकेंड मैग्जिलिपेड. ओके, नेक्स्ट 75. ग्लॉटिस एंड इज एन ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ
माउथ, ट्राकिया, स्टोमक या फिर इसोफेगस? इसका आंसर हो जाएगा क्या 75 का ऑप्शन सी, दैट इज स्टोमक. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 76. एडम्स एप्पल रिप्रेजेंट्स क्रिकॉइड कार्टिलेज, थायरॉयड कार्टिलेज, बोथ ऑफ दिस या नॉन ऑफ दिस. ओके, एडम्स एप्पल के बारे में पता है कि नहीं? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सा कैटिलेज? 76 का आंसर क्या हो जाएगा? थायरॉयड कैटिलेज. क्लियर, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77. कवरिंग्स ऑफ लंग्स इज कॉल्ड पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम या फिर प्लूरल मेम्ब्रेन. ओके, क्या बोलते हैं इसे? प्लूरल मेम्ब्रेन. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78. एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द प्लूरा इज कॉल्ड प्लूरेसी, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या फिर न्यूमोनिया. अगर हमारे प्लूरा में फ्लूइड जमा हो जाता है, ओके, जम जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्लूरेसी. क्लियर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 79. द फंक्शन ऑफ ट्रैकियल हेयर्स इज टू पास एयर इन, पास एयर आउट, पास म्यूकस इन, पास म्यूकस आउट. ओके, तो पास द म्यूकस आउट. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80. लंग्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड अल्वियोलाई, ब्रोंकाई, ट्राकिया या फिर ब्रोंकियोल्स. क्या हो जाएगा इसका आंसर? हमारे ऑप्शन डी, दैट इज ब्रोंकियोल्स. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81. Which one of the following has the smallest diameter? Okay, smallest diameter. Trachea, secondary bronchiole, respiratory bronchiole, left primary bronchus या फिर right primary bronchus. क्या हो जाएगा आंसर? Option C, that is respiratory bronchiole. Okay, 5 यहाँ पे options हैं. Next, come to question number 82. How much air can be inspired or expired during normal breathing? ओके, 0.5 लीटर, 2.5 लीटर, 1.5 लीटर या फिर 5.5 लीटर. हमारा ऑप्शन ए, दैट इज 0.5 लीटर. ओके, दिस मच ऑफ एयर कैन बी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में. 1200 मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड. ओके, क्या बोलेंगे? ये सब आया है आप लोगों का रेस्पिरेशन चैप्टर में. ओके, जो आपका जो ब्रीदिंग वॉल्यूम, ओके, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन वॉल्यूम, क्लियर, ये सब जो है आपका कैपेसिटी, इससे आया है, राइट. तो देखो, टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे, वाइटल वॉल्यूम बोलेंगे या फिर इंस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलेंगे. जो 1200 मिलीलीटर ऑफ वॉल्यूम फोर्सिबल एक्सपिरेशन करने के बाद भी लंग्स में रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 84. रेसिडुअल वॉल्यूम इज, ओके, क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम? लेसर देन टाइडल वॉल्यूम होता है, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम होता है या फिर ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी होता है या फिर ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है. तो क्या होता है ये? हमारा ग्रेटर देन दैट ऑफ द टाइडल वॉल्यूम. ओके, तो बताओ व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम. ओके, क्वेश्चन नंबर 85. ओके, वाइटल कैपेसिटी इज, ऑप्शन है आपका है रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन बी में है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन ऑप्शन सी में है आपका टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन ऑप्शन डी में है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ओके, तो वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? उसका फॉर्मूला ऑप्शन बी. ओके, सबको ऐड कर दो, टाइडल वॉल्यूम प्लस योर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस expiratory reserve volume. Next come to question number 86. The maximum amount of air that our lung can normally hold is kya? Vital capacity, tidal capacity, total lung capacity ya fir pulmonary capacity. Okay, maximum amount of air yahan pe diya hua hai. Okay, jo hamara lung hold kar sakta hai. 86 ka answer kya ho jayega? Option C, total lung capacity. Clear. Next come to question number 87. तो पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन लंग्स इज 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी,
देन 115 मिलीमीटर मर्क्यूरी या फिर 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी या फिर 60 मिलीमीटर मर्क्यूरी. ओके, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए. ओके, ए हो जाएगा आपका आंसर, 104 मिलीमीटर मर्क्यूरी. इट इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ लंग्स. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 88. ब्लड एंटरिंग द लंग इज रिच इन. ओके, जो ब्लड लंग को पहुंचता है उसमें क्या सबसे ज़्यादा होता है? यूरिया, ऑक्सीजन, आरबीसी या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 89. हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड इन वर्टिब्रेट्स? ओके, इन वर्टिब्रेट्स नहीं, इन वर्टिब्रेट्स. ओके, एड्सॉर्ब टू द सर्फेस ऑफ आरबीसीज. ओके, देन कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन या फिर डिजॉल्व इन प्लाज्मा या फिर ऑल ऑफ द एबव वेज. ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. ओके, ऑल ऑफ द एबव वेज. क्लियर? द ऑक्सीजन कैन गेट एड्सॉर्ब टू द सर्फेस ऑफ आरबीसीज. क्लियर? इट कैन कंबाइन विथ हीमोग्लोबिन और इट कैन बी डिजॉल्व इन प्लाज्मा. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 90. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैपेबल ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन? ब्लड, सेरम, लिम्फ या प्लाज्मा? इजी है, ब्लड. ओके, नेक्स्ट 91. हीम ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इट्स कोएंजाइम, एपोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, इनऑर्गेनिक फैक्टर. तो क्या बोलते हैं इसे हम? ऑप्शन सी, दैट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. आप में से आपका कमेंट सेक्शन में आया था कि जो एंजाइम्स हैं उनके को फैक्टर्स की लिस्ट देने के लिए. ओके, वो हम आज दे देंगे. ओके, डोंट वरी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92. हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ओके कैन एसोसिएटेड विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इन मैन? हीमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन एसोसिएट हो सकते हैं इन केस ऑफ मैन? 1, 2, 3 या 4? क्या होगा? ऑप्शन डी, 4. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93. व्हिच डज नॉट अफेक्ट ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व? ओके, क्या अफेक्ट नहीं करता है? हाई पीएच, हाई ऑक्सीजन एंड लो कार्बन डाइऑक्साइड, हाई बॉडी टेम्परेचर या फिर हाई ऑक्सीजन एंड हाई हीमोग्लोबिन? क्या होगा आंसर? ऑप्शन डी, हाई ऑक्सीजन एंड हाई हीमोग्लोबिन. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, क्लोरोक्रूरिन या फिर हीमोएरिथ्रिन? ओके, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज हीमोसाइनिन. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 95. कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड डज नॉट इंक्रीज इन ब्लड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन? क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए, दैट इज सोडियम आयन. इसकी वजह से कार्बोनिक जो एसिड का कंसेंट्रेशन है वो ब्लड में इंक्रीज नहीं होता है. क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 96. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन ब्लड प्लाज्मा? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोक्साइड? ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97. रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या फिर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम या फिर पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम? रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 98. ब्रीदिंग रेट इन मैमल्स इज कंट्रोल्ड बाय अ पार्ट ऑफ द ब्रेन कॉल्ड थैलेमस, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस या फिर मेड्यूला ओब्लोंगाटा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, दैट इज मेड्यूला ओब्लोंगाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99. रेट ऑफ ब्रीदिंग इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन रेट इन ट्रैकिया, कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या फिर डायफ्राग्म एक्सपेंशन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. इसकी वजह से ब्रीदिंग रेट डायरेक्टली अफेक्ट होता है. तो कैसे अफेक्ट होता है वो बताओ. ओके, ईजी है क्वेश्चन, मेरा ईजी है. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 100, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट. द केमोरिसेप्टर्स इन द मेड्यूला आर डायरेक्टली स्टिम्युलेटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, एच प्लस फ्रॉम द ब्लड, डिक्रीज आर्टेरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ओके PO2 या फिर एच प्लस इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी, दैट इज एच प्लस इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF. क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द एनिमल फिजियोलॉजी प्रैक्टिस सेट व्हिच इंक्लूड 100 MCQs. And I hope this video will be very, very, very much helpful to you all.
तो अगर आपको हेल्प कर रहा है लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो. ओके, इसका जो PDF है वो मैं 10 बजे से पहले आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी. ओके, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. थैंक यू.